जाएगी, तैयारियाँ हो रही होंगी अच्छे से, कमेंट में जरूर बताना कि मुहूर्त कितने बजे का है। यहाँ पे तो हमारे आस पड़ोस में तो बोल रहे हैं तो 7:30 बजे का मुहूर्त है। तो गाइस मैंने जाने की तैयारी कर दी है, देखो मुझे तैयारी मेरी सारी हो चुकी है, तेल डल चुका है गाइस। और गाइस देखो मैंने रंगोली बनाई है, तो गाइस मेरी रंगोली कैसी लग रही है आपको? मैंने पहली बार कलर से बनाई है, मैं तो फूल से बनाती हूँ लेकिन इस बार ना फूल नहीं मिला मुझे, तो मैंने सोचा चलो कुछ कलर से ही बनाई जाए, फूल नहीं मिला तो फूल की ज़्यादा बहुत दिक्कत हो गई थी क्योंकि फूल थोड़े से ही मिले, पूजा लायक ही मिले थे बस। तो गाइस देखो आप जैसे देख रहे हो ना, मैंने बस ऐसे बनाया। और ये रसोई के गेट पे ना शुभ होता है सतिया बनाओ, तो ये मैंने एक सतिया इधर बनाया और मैंने एक सतिया उधर बनाया, ठीक है गाइस। तो गाइस मैंने देखो न्यू बेडशीट बिछाई है चादर में, तो ये बेड पे हैप्पी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब कैसे हैं और आपकी दिवाली कैसी बन रही है गाइस? तो माँ लक्ष्मी सबके घर में आज के दिन सबके घर में ब्रजमान हो और सबकी खुशियां लेके आए ऐसे ही, और सब खुशियाँ बांटे। तो गाइस बस मेरा तो यही कहना था, और आज तो खुशी का दिन है क्योंकि अपने भारत के अंदर जो दिवाली का त्यौहार होता है ना, ये बहुत मन से खुशी से हर जाति हर कास्ट के इंसान बनाते हैं, ये त्यौहार ही ऐसा है। हर बोलते ना जगमग जगमग हो जाता है, तो ये त्यौहार ना सबके घर में एक नई रोशनी हो जाती है, और ये त्यौहार ना अच्छा ही बहुत लगता है। मेरा तो बहुत फेवरेट है ये दिवाली का जो त्यौहार है, ये मुझे बहुत पसंद आता है। एक राखी एक भैया दूज, बाकी मुझे होली इतनी पसंद नहीं है, तो मेरा तो सबसे ज़्यादा फेवरेट यही है दिवाली। तो गाइस आपको कैसे लगता है दिवाली पे, आपको खुशी कितनी खुशी मिलती है गाइस, और आप कैसे बना रहे हो तो कमेंट में जरूर लिखना। और मैंने देखो आज मैंने थोड़ी देर के लिए करवा चौथ पे पहना था ये सूट, तो मैंने सोचा दूसरा पहनने की क्या ज़रूरत है, यही पहन लेते हैं। तो गाइस तो मैंने तो अपना स्कर्ट वाला यही सूट डाल लिया है। और गाइस मैं कैसी लग रही हूँ तो लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल घंटी जरूर दबाना। तो गाइस मिलते हैं बाद में पूजा के टाइम पे और पटाखे फोड़ते हुए, तो बाय बाय।